बहुत शरीफ बच्चे हो, बहुत ज्यादा। आपसे भी ज्यादा। थैंक्स। वीडियो ऑन करो। रेक्टम, पेल्विक डायफ्राम, ठीक है, एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर, ठीक है, ट्रांसवर्स स्पिनियल मसल, इसकी अवेयरनेस ये हमने पहले किया था, बल्बो वेस्टिब्यूल, इसके पीछे जो ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, ये ना इसको ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड लिख के बैठे हो, ये छोटा राउंडेड है ना, दिस इज ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड या बार्टलेज ग्लैंड, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ठीक है, इसके कवर्नस मसल, क्यूबिक सर्फेसिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटेरिक ओपनिंग, पाउच ऑफ डगलस, ठीक है, सॉरी यूट्रोवेसाइकल पाउच, पाउच ऑफ डगलस, ये वाली जो होगी फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। मैं उल्टा नहीं कर दिया, सही है, ये वाला नहीं है, वाइट लेयर जो होती है वो पेरिटोनियम होती है, ठीक है, ये सारा जो पेरिटोनियम है ना इसको सुपीरियरली सराउंड किया और लेटरली इसने ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ ना टुवर्ड पेल्विक वॉल, यहाँ पे हम इसे कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, दिस इज वजाइना, ठीक है, रेक्टम सारा, उसके बाद इसको हम खोलते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस, रिट्रो प्यूबिक स्पेस, डीप डॉर्सल वेन ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है, उसके बाद ये यूरेथ्रा, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस, एक्सटर्नल वजाइना, एंटीरियर फोनिक्स ऑफ वजाइना, पोस्टीरियर फोनिक्स ऑफ वजाइना, एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, ये वही फंडस, बॉडी, यूट्राइन कैविटी और ये सारी बॉडी ऑफ, तो ये वेसल्स नज़र आ रही है ना सारी छोटी छोटी छोटी, यूट्राइन आर्टरी की ट्रिब्यूटरीज होगी सारी, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर, इंटरनल इनर स्फिंक्टर जो कि ऊपर सर्कुलर लेयर ऑफ रेक्टम के साथ फ्यूज कर जाता है, ये इंटरनल इनर स्फिंक्टर की बात आ रही है, ये एक्सटर्नल है जिसके हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, इनर किनाल, उसके बाद यहाँ जो ओवरी, इसके अराउंड फिम्ब्रा है, फिर ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, दिस इज राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यहाँ पे यूरेटर आ रहा है, ग्रेटर ओवेरियन वेसल्स है, उसके बाद और क्या रह गया, ये मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट है, ठीक है, ये हमारे पास होंगे लैटरल अम्ब्लाइकल लिगामेंट, चलो ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइन है, ये सैक्रम है, चलो।